हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोगों को एक इंजीनियरिंग ड्राइंग दी गई है जिसके हमने फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू बनाने हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो आइए सबसे पहले इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट चेक कर लेते हैं। इसकी लेंथ 120 मिलीमीटर है, ब्रेथ इसकी 15 मिलीमीटर है और हाइट इसकी 15 मिलीमीटर है। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू के बॉक्सेज बना लिए हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका फ्रंट व्यू किस प्रकार बनेगा। दोस्तों, यदि हम फ्रंट व्यू को देखें तो 90 मिलीमीटर का एक 10 मिलीमीटर ऊंचा एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो हम वही बनाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने बना लिया है। इसके बाद में हम देखें तो 10 मिलीमीटर छोड़कर एक और बनाया हुआ, तो वो भी हम लोग बना लेते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से ये हमारा बॉक्स बन गया है। अब हम कॉर्नर से देखें तो यहाँ से 15-15 मिलीमीटर छोड़कर कटा हो गया। चलिए सबसे पहले इसका रेडियस बनाते हैं। दोस्तों, ये रेडियस हम लोगों ने बना दिया है। दोस्तों, यहाँ से ये 10 मिलीमीटर दिया गया है क्योंकि 15 मिलीमीटर साइड में है, तो ये 10 मिलीमीटर है, तो हम लोग उसी अकॉर्डिंग बनाते हैं।
दोस्तों इस प्रकार से हमारा फ्रंट व्यू तैयार हो गया है। फ्रंट व्यू में जितनी लाइनें हमारे सामने से दिखाई दे रही थी वो तो सारी हम लोगों ने बना दी हैं। अब इसका टॉप व्यू देखते हैं। टॉप व्यू में अगर हम देखें तो कॉर्नर से 10 मिलीमीटर जोड़ कर एक स्ट्रेट लाइन हम लोग बना लेते हैं। दोस्तों मैंने ये सीधा बना लिया है, जरूरत पड़ने पर हम बाकी लाइनें रेज भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये हम लोगों ने बना लिया। टोटल इसका 50 था तो 10 मिलीमीटर छोड़कर एक जो ये वाला बॉक्स था वो दिखाई दे रहा है, तो हम लोग उसका भी बना लेते हैं। दोस्तों कॉर्नर से 15 मिलीमीटर छोड़कर एक कटा हुआ है तो हम लोगों को बना देते हैं। यहां से ये जो वाली लाइन है इसकी पोजीशन हम लोग ले लेते हैं। दोस्तों जो ये वाले कॉर्नर्स हैं ये यहाँ पर हमें दिखाई देंगे तो हम लोग वो बना देते हैं यहाँ पे। तो ये वाली लाइन है ये भी हमें यहाँ पे विजिबल रहेगी तो दो लोग बना देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा टॉप भी तैयार हो गया, लेकिन इसमें एक लाइन मिसिंग है जो ये वाली लाइन जो है ये डॉटेड लाइन दिखाई देगी, हम लोग वो बना देते हैं। तो ये हमारा टॉप व्यू तैयार हो गया। साइड व्यू बनाते हैं। साइड व्यू में उसी प्रकार से जो ये वाली लाइन है ये हम लोगों यहाँ पे विजिबल है,
तो हम लोग को बनाते हैं कॉर्नर से, दोस्तों जो ये वाली लाइन है इसकी पोजीशन यहाँ पर आएगी, वो पोजीशन हम लोग ले लेते हैं। इससे आगे जो ये वाली लाइन है इसकी पोजीशन आएगी, वो वाली पोजीशन हम लोग ले लेते हैं। दोस्तों जो ये वाली लाइन है ये डॉटेड लाइन आएगी, वो डॉटेड लाइन में हम लोग बना देते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने ये बना दिया है। अब जो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा 10 मिलीमीटर आगे जाकर है, तो वो लाइन हम लोग बना देते हैं। एक्सेस लाइंस को इरेज कर देते हैं। ये हम लोगों ने बना दिया। और जो ये वाली लाइन है इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे दिखाई देगी, वो भी हम लोग बना देते हैं। तो हम लोग यहाँ से रेफरेंस ले लेते हैं इसको बनाने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू तैयार हो गया। अब हम लोग इसकी डाइमेंशनिंग कर देते हैं। तो कुछ प्रकार से हम लोगों ने इसकी नेमिंग कर दी है। अब इसकी नेमिंग भी हम लोग कर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से गिवन ऑब्जेक्ट का हम लोगों ने फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू बना दिया है।